तो और भाई प्राइड क्या हाल है यार। तो भाई साहब कैसे हैं आप लोग? और भाई आज बहुत दिनों बाद हम आए हैं एक ऐसा डुओ मैच जिसके अंदर हमारे अगेंस्ट खेल रहे हैं कतई प्रोएस्ट ऑफ द प्रोस। ना ही हम प्रमोशन कर रहे हैं ना ही कुछ बात, भाई हमारी एयू केडी नहीं है उनके अगेंस्ट प्रमोशन करने की। पर यार आपको बता दूं, हम खेल रहे हैं अगेंस्ट MRX, जिसका कि प्रूफ आपको थोड़ी थोड़ी छोटी क्लिप्स में मिल गया होगा। और भाई साहब जो ही स्टार्टिंग का एक मॉन्टेज था जो भी हो भाई, कैसा लगा? और भाई साहब क्या वो वीडियो आपको चाहिए? जल्द से जल्द कमेंट में लिखो। और भाई साहब ये कौन सी गन का रिकॉइल है ज़रा बताओ। तो गाइस क्या आपको उस गन का रिकॉइल, मतलब वो कौन सी गन है, क्या आपको पता चला कि वो कौन सी गन है? अगर आपको उसके बारे में मालूम है कि वो कौन सी गन है तो यार जल्द से जल्द कमेंट सेक्शन में पिन कर दो कि वो कौन सी गन है, और मैं आपको ऑप्शन तो नहीं दूंगा, आपको ही गेस करनी है कि वो कौन सी गन है। और भाई साहब हम आज जा रहे हैं MRX के गेम के अंदर एक सैनॉक मैप में, जहाँ पर हम उतरने वाले हैं बूट कैंप में। और भाई साहब उतरते ही हमारे MRX भाई तो कतई धोने लग गए सबको यार, कदई एक के एम से मारने लगे, एक बंदे को गिरा दिया इन लोग इन्होंने। और भाई उसके बाद यहाँ पर थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक चीज़ होने वाली है जो कि बहुत कुछ गंदी होने वाली है। तो यार यहाँ पर MRX भाई को कोई बंदा शॉटगन से मार देता है और भाई पूरा फिनिश। उसके बाद शानदार भाई भी गए। ओ भाई साहब, मतलब शानदार भाई तो उनके मतलब ये देखो क्रेट उनका। तो गाइज अब हमारी भाई का मौत का बदला हम लेंगे यार, तो वो कैसे लेंगे तो ज़रा सामने देखिए। और भाई साहब ये देखिए ज़रा कतई जहर वाला कवर हमारे MRX भाई को हम देते हैं। और भाई साहब ये बंदा जिसने हमारे MRX भाई को मारा था, और भाई साहब जिसने हमारे MRX भाई की ड्रेस ले ली थी उसे तो हमने मार दिया, पर अब यहाँ के बाद इसके बाद एक बंदा जो मुझे अब सामने मिलने वाला है वो मुझे सोचता है कि मैं MRX हूँ, और भाई साहब मुझसे मीटअप कर लेता है। और भाई साहब वो तो कतई देखने लायक था। और भाई साहब मैं चार बार उसे बताता हूँ कि यार मैं MRX नहीं हूँ, मैं प्राइड गेमिंग, तो बोलता है यार कोई नहीं बिग फैन ब्रो प्राइड गेमिंग। तो मैंने बोला ओ भाई साहब, मतलब मैंने पूछा कि तुम्हें प्राइड गेमिंग पता है, तो उसने बोला अरे यार इतने फेमस यूट्यूब चैनल को कौन नहीं जानता। मैंने बोला अबे सिर्फ 1500 बस सबसे उसके, पर वो बोल रहा है नहीं यार मैंने तो तुम्हारे 2 मिलियन देखे। तो यार कतई गंदा स्कैम। और भाई साहब उसके बाद उसने बोला कि मैंने प्राइड गेमिंग को सब्सक्राइब किया है, तो मैं कतई शॉक ही हो गया। और भाई साहब मैंने बोला तू मुझे तो नहीं जानता, किसी और को जानता है। तो यार अब मेरा टीममेट यहां पर मर जाता है। और इस मैच में मतलब मैं बता दूं कि थोड़ी बहुत यार वॉइस ग्लिच हुई है, ये हमारे रिकॉर्डिंग के सस्ते नशे हैं, आईफोन के सस्ते नशे। तो यार क्या बताऊं, पर कोई नहीं यहाँ पर हम जाते हैं सामने। और भाई साहब हमें मिलते हैं ये बंदे। तो यार अब यहाँ पर आपको एक बंदा दिखा होगा सामने 3x के स्कोप के अंदर, और भाई साहब ये पीछे से एक बंदा भाग रहा है। तो यार ये है बंदा शायद मीटअप वाला, मुझे खुद याद नहीं। तो यार यहाँ पर मुझे लेफ्ट से पड़ती है, और भाई साहब मैं देखता हूँ कहाँ है पर ये अब पांडा। और भाई साहब ये कतई बचता है एक गोली का, मतलब कतई पांडा है ना, ये क्यों मरा पता है? इसे लास्ट की गोलियाँ लास्ट टाइम की, मतलब जो मैंने खिड़की के अंदर से मारी थी वो एक्चुअली रजिस्टर नहीं होनी चाहिए थी, पर इसकी ड्रेस की वजह से इसे हो गई। और बेचारा इसलिए बोल रहे हैं भाई कभी भी है ना,
ऐसी ड्रेसेस पहना मत करो। तो यार मैं सोच रहा हूँ कि मैंने यार किल वाले को क्यों नहीं मारा, सॉरी यार मतलब नॉक वाले बंदे को क्यों नहीं मारा, जबकि मेरे पास वो ऑप्शन था। पर फिर भी मेरे सस्ते नशे, हैशटैग मेरे सस्ते नशे एवरीबॉडी। तो यार कोई नहीं, अब यहाँ पर सामने और एक बंदा होता है जो कि हमें बाद में देखने को मिलेगा, जो कि देखिए आप मतलब दिख रहा है आपको कैसे, अब हैक्स मत बोल देना, मतलब मुझे दिख रहा है ऑफकोर्सली कैसे, ESP लगाया हुआ है समझ लो बस। और भाई साहब ये कदई शानदार सा नेड होने वाला है और भाई बंदा खत्म। तो यार अब यहाँ पर हम थोड़ी बहुत और लूट करते हैं। और भाई साहब ये देखिए MRX का क्रेड, अगर आपको विश्वास नहीं होता तो यार जूम इन कर लो या फिर चश्मा पहन लो, कुछ भी पहनो आपको दिख जाएगा, मतलब मजा कर रहा हूँ यार। और भाई साहब अब यहाँ पर मुझे मिलता है मीटअप वाला बंदा, जिसे कि पहले तो मैं देखता हूँ और उसके बाद मुझे पता चलता है कि भाई ये तो बंदा यार कदई जंप वंप कर रहा है। तो यार यहाँ तक तो मेरी पूरी साउंड बराबर थी, मतलब अच्छे से चल रही थी, पर यार जब मैं माइक ऑल पे लगाता हूँ उसके बाद हमारा हो जाता है साउंड ग्लिच। तो भाई यार अब आपको ये शायद अब बोला होगा, बोलता हुआ दिख गया होगा कि भाई ये एक फ़ैन है और बोल रहा है MRX बिग फैन। तो यार मैंने बोल दिया कि भाई मैं MRX नहीं हूँ, मैं प्राइड गेमिंग। तो आपको पता ही है क्या ही सिचुएशन थी, मैंने आपको बोल दी थी, अगर आपने नहीं सुना यार फिर से पीछे जाओ और रीकैप करो, रीप्ले करो। और भाई साहब यहाँ पर होता है और एक बंदा जिसे कि हम पहले फिनिश करेंगे ताकि फुटस्टेप्स बंद हो जाएं। और भाई साहब हम कतई अब इसे मारने वाले, मतलब फैन मीटअप वाले को नहीं यार, मतलब फैन मीटअप तो बहुत देर तक चलने वाला है, एंड गेम तक चलने वाला है। तो यार चलो देखते हैं कैसे। तो यार आपको पता चल ही चुका होगा कि भाई साहब कैसा लैग हुआ है, मतलब कैसा ग्लिच हुआ है। और भाई साहब ये कौन से सस्ते नशे हैं, मतलब कौन से सस्ते नशे यार। नहीं भाई, हाँ पता है तुम्हें मुर्गी का दौरा पड़ा है, कुछ भी दौरा पड़ा है यार, चिकन मटन मतलब चिकन डिनर का दौरा पड़ा है, मतलब पबजी में एक्चुअली चिकन डिनर होता है। और भाई साहब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि वो बंदा कहाँ गया, तो यार वो बंदा यहाँ पर लेटा हुआ है। उस मैंने उसे बोला था कि भाई छोड़ दे यार, अब पबजी तो है ना मतलब मीटअप पे बैन लगा रहा है, तो यार हम चुपचाप बैठे ही रहते हैं। और गाइज मैं आपको पहले ही बता दूं कि यार फैन मीटअप मत करना, ये थोड़े सीजन्स पहले का है जहां पर हम मीटअप कर रहे थे, इसके साथ मीटअप कर चुके हैं, MRX का गेम प्ले था, सॉरी यार मतलब मेरा गेम प्ले था, उसके अंदर MRX आया था मेरे गेम के अंदर, जबकि हम डुओ खेल रहे थे। और भाई साहब ये जो डुओ था सामने जो लेटा हुआ था नागिन नचना, तो भाई उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। और भाई एक AFK बंदे को हमने मार दिया, और शायद वो भी यार प्रोन वाले बंदे भी शायद AFK थे। तो यार इसी के साथ हमारे हो चुके हैं 9 kills और भाई साहब अलाइव है 14। तो यार अब यहाँ पर हमें ये बंदा दिखा, और भाई अब इसके साथ क्या ही स्कैम होने वाला है यार। बेचारा यार सोच रहा था कि बूट कैम में कोई नहीं है, हम कतई मार के चले जाएंगे इसे, मतलब नॉर्मली लूट करके चले जाएंगे। पर इसे कहाँ पता था कि भाई हम तो यहाँ पर बैठे हैं, नहीं नहीं हम तो बैठे हैं ना, तो भाई बहुत देर तक मैं इसे घूरता हूँ कि यार ये कर क्या रहा है, मतलब नहीं यार एक्चुअली में ये कर क्या रहा है, अबे सही में यार मतलब ये जो क्रेट्स ढूंढ रहा है, मतलब यार बंदा क्या भूखा था क्या तू। देखो ये हमारी तरफ ढूंढ रहा था, मतलब या तो फिर ये हैकर था या तो फिर ये लूटर था, क्योंकि भाई नॉर्मली यूजुअली अगर आपका मतलब आपके सामने अगर कोई बंदा फेस करके खड़ा हो, और भाई ये देखिए उस बंदे को यहाँ पर आना है, पर यार उसके सस्ते नशे देखिए ज़रा कहाँ स्मोक किया उसने। और भाई अब तो उसे हम पे लेंगे, क्योंकि फ्री किल
कभी आपका भाई नहीं छोड़ता। तो गाइज अब यहाँ पर हम आ जाते हैं इस जगह पे बूट कैंप को छोड़ के, क्योंकि भाई साहब वहाँ से जोन भी हट चुका था। और भाई साहब जैसे कि जोन हट चुका है तो हम कुछ जोन जोन करने वाले थे, मतलब जैसा कि रेड जोन होता है, जैसे कि कोरोना में रेड जोन होता है, रेड अलर्ट जोन कुछ भी यार, पर हमारे अंदर तो रेड जोन होता है जो कि हट चुका है। और भाई यहाँ पर ये देखिए हमारा बंदा जो कि मीटअप के लिए गलती से हमें एमआरएक्स भाई सोच के, पर यार बिग फैन एमआरएक्स भाई, मैं आपका भी फैन हूँ, हम सब भाई भाई है, कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं है, पहले ही बता रहा हूँ कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। फिर से अगर बोलोगे तुम कि भाई तुम कंपेयर कर रहे हो एमआरएक्स से, तो मैं बता रहा हूँ यार सब लोग लेवल है, सब लोग एक ही जैसे के हैं, कोई भी आगे नहीं कोई पीछे नहीं। पर यार अब जोन में बचे थे सिर्फ 9 या 8 बंदे, और भाई साहब इन्हें मारने के लिए हमें कुछ हैक्स लगाने थे। तो भाई साहब हम यहाँ से इसे बोलते हैं कि भाई तू चला जा या फिर हमारा अकाउंट बैन हो जाएगा। और भाई साहब उसके बाद हम कतई चले जाते हैं, और भाई ये देखिए कतई जहर सी। और भाई अब आपको शायद आवाज़ आ रही हो, शायद अब आएगी, हाँ अब आई। तो यार ये यूपीएस के साउंड है, कोई नहीं इग्नोर इट जस्ट। तो भाई ये गलत स्कैम देखिए यार, कतई गंदा यार, बहुत गंदा। तो यार यहाँ पर होता क्या है, मतलब यार कतई सैड फीलिंग यार, कि भाई यहाँ पर मैं और जो हमारा मीटअप वाला बंदा था, हम दोनों ही इस बंदे को मारना चाहते थे, पर यार गलती से ये जो बंदा था फैन था वो बेचारा सामने आ जाता है मेरे, और भाई साहब गलती से यार लाइन ऑफ फायर में आ जाता है और मर जाता है यार। सो सैड ब्रो, सॉरी यार, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो सॉरी यार, माँ कसम आपको मैं नहीं मारना चाहता था। अगर आप सोच रहे हो कि मैंने आपको मारा तो सॉरी यार, और गलती से लग गया यार, सॉरी। और भाई साहब इसके बाद हमें मिलते हैं थोड़े ही बंदे, जिन्हें ढूंढते ढूंढते हमारा कतई आटा पाव भाजी सब कुछ बनने वाला है। तो देखिए कैसे, तो यार कतई यहाँ पर मुझे हैकर वाली फीलिंग आने वाली थी, मतलब आने लगी थी कि भाई मैंने कैसे ही उसे स्पॉट किया यार, माँ कसम। पर यार इसे स्पॉटिंग नहीं कहते, इसे हैकिंग कहते हैं, मतलब आप समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ। और भाई साहब इसके बाद जोन में बचते हैं 3 या फिर 2 बंदे, शायद कितने हैं, रुको एक मिनट, ओके तो 3 ही बंदे बचते हैं। और भाई साहब क्या ही सीन होने वाला है, तो यार देखिए। और भाई साहब सीधा एंजॉय कीजिए इन किल्स को, जो कि बहुत ही कुछ इंटेंस है, मतलब इंटेंस नहीं है, नो साउंड वाले हैं मतलब। तो भाई साहब एंजॉय कीजिए। और भाई साहब जिन जिन लोगों को और ऐसे यूट्यूबर्स के अगेंस्ट ऐसे वीडियोस चाहिए, तो यार जल्द से जल्द कमेंट करो, और भाई साहब हम और ऐसे वीडियोस शायद ट्राई करेंगे ऐसे वीडियोस बनाने का। और भाई साहब जल्द ही हम हमारी सेंसिटिविटी सब कुछ देने वाले नहीं है यार, पूछना भी मत। और यार पूछोगे तो दे देंगे, कोई बात नहीं। और भाई साहब यहाँ पर ये बंदा देख, इस बंदे को तो प्रोन वाले को तो हमने मार दिया। और भाई साहब इसको देखिए, जो लास्ट बंदा होता है उसे हम किस फनी तरीके से मारते हैं, मतलब। और भाई साहब मैं बता दूं कि आप ज्यादातर ट्राई करो कि यार विदाउट एडीएस, मतलब एडीएस क्या होता है आपको पता ही है, मतलब विदाउट एडीएस मतलब नो स्कोप आप ट्राई करो। एडीएस तो अगर आप कंफ्यूज हो जाओगे, पर यार आप नो स्कोप अगर बंदे को ट्राई करोगे ना मारने का, तो यार सारी गोलियां ऑलमोस्ट हेड ही लगेंगी, मतलब आपका हेडशॉट परसेंट 20 से 50 कब जाएगा आपको भी पता नहीं चलेगा। तो यार तब बंदे बोलेंगे आपको हैकर, और भाई साहब आप ये ट्रिक बता देना। तो यार ये ट्रिक बोली गई है आपके प्राइड बबल की ज्ञान से, मतलब हम ज्ञान थोड़ी बहुत फैला भी देते हैं, कोई नहीं। और भाई साहब अब ये बंदा बाहर आता है, क्योंकि इसे जोन में आना था भाई, ये देखो आपको दिख रहा होगा। और भाई साहब ये प्रो प्लेयर कतई कॉन्करर यूजिंग टिप्स ऑफ कैंपरर कतई मेरे सामने आके ही लेट जाता है,
और इसने क्या सोचा कि मैं यहां पर हुई नहीं, मतलब तो यार अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेक श्योर दैट यू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू प्राइड गेमिंग। और भाई साहब अगर आपको वो स्नाइपिंग शॉट्स का वीडियो चाहिए तो यार जल्द से जल्द कमेंट सेक्शन में पिन कर दो कि चाहिए।